प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस की बात कर रहे थे और 4 यूनिट तक हमने इस पर डिस्कस किया। आज हम इसकी 5वीं यूनिट पे चर्चा करना चाहेंगे। 5वीं यूनिट का पहला जो चैप्टर है वो है व्यवहारिक समाजशास्त्र। जिसे हम अप्लाइड सोशियोलॉजी कहते हैं। देखिए, दो तरह की बात है यहां, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। कुछ विषय ऐसे हैं जो सिद्धांतों के आधार पर निर्भर करते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो व्यवहार के आधार। तो समाजशास्त्र का व्यवहारिक जो पक्ष है वो हम हमारे जीवन में लेके आते हैं। समाज की वो इकाइयां हम जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं कि व्यवहारिक पक्ष इसके कौन कौन से हैं। तो हम व्यवहारिक सोशियोलॉजी या अप्लाइड समाजशास्त्र में हम उन विषयों को उठाने का प्रयास करेंगे जो हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं, जब इसके डिटेल में हम बात करेंगे। दूसरी बात इसमें है नीति निर्धारक। 5वीं यूनिट में हम नीतियों के संबंध में भी पढ़ेंगे कि समाज के कल्याणकारी स्वरूप के लिए कौन कौन सी नीतियों का निर्धारण हुआ है, वो किस तरह से यहाँ इफेक्टिव है। इसके बाद समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन, हम इस पे यहां बात करना चाहेंगे। ठीक इसके बाद समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं, हम इस पे भी यहाँ चर्चा करेंगे। हम पहले विषय पे बात करते हैं, समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन। समाज में होने वाले परिवर्तनों को समाजशास्त्र किस तरह से कोड करता है, समाजशास्त्र का कितना उसमें योगदान रहता है इस संबंध में। और दूसरी बात है समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं। समाज लगभग बहुत सारी समस्याओं का पर्याय बना हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सवाल उठता है कि इन समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्र किस तरीके से करता है। मैंने पूर्व में भी आपसे एक बात किया था कि साहब, हर विषय के पास या हर शास्त्र के पास अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है, समाजशास्त्र के पास भी अपनी एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समाजशास्त्र यह प्रयास करेगा कि समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याओं में क्या रिलेशन है और उसे किस तरह से स्पष्ट किया जाए। ये था जी हमारा पहली प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस, जिसपे हमने ब्रीफली आपके सामने एक खाका रखने का प्रयास किया। अब हम इसको स्टेप टू स्टेप, पूरा जो सिलेबस आपके सामने आ गया, बीए पार्ट फर्स्ट की प्रथम जो बुक है व्यवहारिक, प्रथम जो बुक है आपकी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उस पे प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के एक एक चैप्टर को हम यहाँ देखना चाहेंगे। मैं पहले चैप्टर के संबंध में आपसे थोड़ी बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इसको। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र
का ये पहला चैप्टर है। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके संबंध में डिटेल से बात करेंगे, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, किन किन लोगों ने इसकी परिभाषा दी है, किस किस संबंध में उन्होंने परिभाषा दी है, समाजशास्त्र को कहाँ कहाँ उन्होंने कोट करने का प्रयास किया है, उसके बाद में इसका क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र की सीमाएं कहाँ तक है, समाजशास्त्र कहाँ तक फैला हुआ है, समाजशास्त्र में काम करने के तरीके क्या हैं, क्या ये विज्ञान के दृष्टिकोण से काम करता है या समाज अन्य समाज विज्ञानों के तरीके से काम करता है, इन सब पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। मैं पुनः से एक बार समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों से इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि साहब यह समय बड़ा संकट का है, ऐसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप निश्चित तौर पे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग निश्चित तौर पे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये रहे कि आप बेवजह घर से ना निकलें। धन्यवाद।